हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं ऐसा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे बच्चों, आज की इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे मानव जनन में मादा युग्मक अंडाणु के बारे में, यानी कि हम आपको पढ़ाएंगे आज फीमेल गैमेट ओवम के बारे में। ओवम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ओवम का साइज कितना होता है, ओवम है क्या, इन सभी पॉइंट्स को आज की इस क्लास में कवर करेंगे। क्लास ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा बट इंटरेस्टिंग होगा। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुभारंभ करेंगे अपने हेडिंग के साथ। हेडिंग क्या है हमारा? अंडाणु, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवम। ओवम की अगर हम बात करते हैं तो ओवम है क्या, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओवम है क्या, तो ओवम क्या है, तो ओवम भाई क्या है, यह एक मादा युग्मक है। यह एक मादा युग्मक है। इसका मतलब क्या होगा, अगर इसी बात को हम इंग्लिश में कहें तो क्या हो जाएगा, इट इज ए फीमेल गैमेट। ये क्या है, फीमेल गैमेट है, जिसका निर्माण कब होता है, ओजेनेसिस यानी कि अंडाणु जनन की प्रक्रिया से अंडाणु का निर्माण होता है। तो क्या हो जाएगा, अंडाणु जनन की जब प्रक्रिया होती है, हमने पढ़ा था ना भाई, अंडाणु जनन, अंडाणु जनन की प्रक्रिया से, की प्रक्रिया से अंडाणु का निर्माण होता है। जब अंडाणु जनन प्रक्रिया हमने आपको बताया था, तो वहां पर मैंने आपको बताया था क्या, अंड जनन कोशिका। एक क्या होती है, अंड जनन कोशिका होती है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, उगोनिया कहते हैं। उस उगोनिया में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, सॉरी माइटोसिस डिवीजन होता है। कब, फीटल लाइफ में, यानी कि गर्भकाल में कोई फीमेल है वो प्रेगनेंसी के दौरान अपनी मम्मी के पेट में है, तो उसी दौरान क्या होता है, वहां पर उगोनिया यानी कि अंडजनन कोशिका में क्या होता है, डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं और कई सारे प्राइमरी ओसाइट का निर्माण होता है। क्या, कई सारे प्राइमरी ओसाइट का निर्माण होता है। लेकिन याद रखिएगा कि गर्भकाल में, यानी कि हम बात कर ले फीटल लाइफ में ही ओवम बनकर के तैयार नहीं होता है। फीटल लाइफ में केवल और केवल प्राइमरी ओसाइट बनते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब चाइल्डहुड यानी कि बच्चा पैदा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, 12 से 13 साल की कोई लड़की हो जाएगी, तब उसमें आगे की प्रोसेस चलेगी और ओवम का निर्माण होगा। यह प्रोसेस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो ओवम क्या करेंगे हम, द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ओजेनेसिस, या बाय द प्रोसेस ऑफ ओजेनेसिस। समझ में आया, नाम ही सही है क्या, ओजेनेसिस। ओजेनेसिस ओ का मतलब क्या हो गया, ओवम, जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जो ओवम का साइज है, ओवम का जो आकार है वो कैसा है। तो भाई देख रहे हैं आप, यहां पर एक ओवम है, अंडाणु है, ये अंडाणु कैसा दिख रहा है, गोलाकार दिख रहा है। अब बात यहां पर ये आती है कि इसका साइज क्या है, अंडाणु का साइज क्या होता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो अंडाणु गोलाकार होता है, अंडाणु गोलाकार होता है, गोलाकार होता है, तथा इसका व्यास 120 माइक्रोमीटर होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो ओवम होता है क्या होता है, स्फेरिकल या हम कह लें राउंड इन शेप होता है, और जिसका डायमीटर क्या होता है, 120 माइक्रोमीटर होता है। तो हम बात करते हैं कि ओवम क्या होता है, ओवम राउंड इन शेप, राउंड इन शेप एंड 120 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसका जो व्यास होता है, इसका जो डायमीटर होता है, वो क्या होता है, 120 माइक्रोमीटर का होता है। इतनी बातें समझ में आई। अब अगर हम बात करते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन की प्रोसेस होती है, तो ओवम का कौन सा भाग फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है,
मेरे कहने का मतलब यह है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान, निषेचन की प्रक्रिया के दौरान, क्या डायरेक्ट आपका अंडाणु यानी कि ओवम पार्टिसिपेट करता है या कोई और। तो अब अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा कि जब फर्टिलाइजेशन होता है ना बेटा, तो उस दौरान क्या होता है, डायरेक्ट ओवम फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। उसमें क्या होता है, जो आपकी सेकेंडरी ओसाइट होती है, द्वितीयक अंडकोशिका जो होती है, वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जो सेकेंडरी ओसाइट है वो क्या करती है, वो कन्वर्ट हो जाती है ओवम के अंदर, वो कन्वर्ट हो जाती है आपके अंडाणु के अंदर। बात ध्यान से रखना कि डायरेक्ट ओवम जो होता है वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सेकेंडरी ओसाइट द्वितीयक अंड अंडाणु जो होता है वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन में भाग लेता है। तो हम क्या कहेंगे कि निषेचन की क्रिया में, निषेचन की क्रिया में द्वितीयक द्वितीयक अंडकोशिका द्वितीयक अंडकोशिका भाग लेता है। द्वितीयक अंडकोशिका क्या करता है, भाग लेता है। यानी कि हम बात करते हैं तो इनफर्टिलाइजेशन, इनफर्टिलाइजेशन इनफर्टिलाइजेशन सेकेंडरी ओसाइट पार्टिसिपेट, सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। इतनी बातें समझ में आ गई, ये बेसिक बातें हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन है, आप इसको ध्यान रखिएगा, कहीं भी ये काम आ सकता है आपको, कंपटीशन में, बोर्ड के एग्जाम में, हालांकि काम आएगा ही। तो आगे की अगर हम बात करते हैं तो अंडाणु की संरचना की बात कर लेते हैं। तो यहां स्ट्रक्चर से आप देख करके समझिए कि जो अंडाणु का सबसे बाहर परत होता है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये सेल्स जो दिख रहे हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स हैं जो आपस में जुड़ कर रखे, फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ करके क्या करते हैं, कोरोना रेडिएटा का निर्माण करते हैं। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, कोरोना रेडिएटा कहलाती है। ये बना किसका होता है, जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। जब हम आपको फॉलिकुलर जेनेसिस पढ़ा रहे थे तो वहां पर आपने देखा होगा, आपको याद होगा बखूबी, जब हम आपको फॉलिकुलर जेनेसिस पढ़ा रहे थे तो फॉलिक्यूल्स के अंदर ही क्या था, आपका प्राइमरी ओसाइट था, धीरे से वो ग्रोथ किया, सेकेंडरी ओसाइट बना, और उसके बाद ग्रोथ किया तो जो फॉलिक्यूल था वो आपका टर्शियरी फॉलिक्यूल बना, और उसी दौरान क्या हुआ, ओवम बाहर आ गया। आपने ध्यान दिया होगा जब आपका प्राइमरी ओसाइट था तो वहां पर क्या था, उस प्राइमरी ओसाइट की बात कर रहे हैं तो वो क्या था, प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर था, प्राइमरी फॉलिकल्स के चारों ओर क्या था, आपने याद दिया होगा, तो वहां पर थीका सॉरी ग्रैनुलोसा था, ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल था। फिर उसके बाद जब सेकेंडरी फॉलिक्यूल्स की बात करते तो वहां पर ग्रैनुलोसा सेल के ऊपर एक और सेल आया जिसको हमने थीका सेल कहा। टर्शियरी सेल में बात कर, टर्शियरी फॉलिकल्स की बात करते हैं यानी कि तृतीयक पुटिका की बात करते हैं तो वहां पर क्या हुआ था, तृतीयक पुटिका में जो आपकी थीका सेल थी वो दो परतें बना ली, एक थीका इंटरना और एक थीका एक्सटर्ना बना ली। जो थीका इंटरना थी वो सेलुलस थी यानी कि कोशिकीय था, और जो थीका एक्सटर्ना था वो फाइबरस यानी कि रेशे वाला था। ये आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आएगा आगे की प्रोसेस। और उसी दौरान क्या था, जब आपका टर्शियरी फॉलिकल बन रहा था तो टर्शियरी फॉलिकल बनते समय क्या हुआ था, जो आपकी सेकेंडरी ओसाइट थी उसके चारों ओर एक लेयर और बना था जिसको हमने नाम दिया था जोना पेलिसुडा। और वो जोना पेलिसुडा क्या है, ये वाला आपको दिख रहा है जो बीच में ब्लैक वाला पूरा दिख रहा है, कोरोना रेडिएटा के जस्ट नीचे अगर आप देखना चाहेंगे तो यहां पर आपको जोना पेलिसुडा है। और ये जोना पेलिसुडा कहां है, ये कोरोना रेडिएटा दिख रहा है, इस कोरोना रेडिएटा के जस्ट नीचे क्या है, जोना पेलिसुडा है, जो कि क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है और इसे तोड़ने के लिए केवल और केवल स्पर्म के पास एंजाइम पाया जाता है, वो भी पूरी बॉडी स्पर्म के पास नहीं, स्पर्म का जो आपका एक्रोसोम होता है यानी कि अग्रपिंडक जो होता है, जो टोपी के जैसे संरचना थी, जो स्पर्मेटिड के गॉल्जी बॉडी का बदला हुआ रूप था एक्रोसोम, वहां पर एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम का नाम है हाइलेरोडिनेज। उस एंजाइम के पास इतनी एबिलिटी होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो क्या कर ले, इस जोना पेलिसिडा लेयर को तोड़ सकता है। और उसमें क्या होता है, जो अंडाणु होता है वो क्या होता है, अंदर की अंडाणु का जो जोना पेलिसिडा होता है वो टूट जाता है और स्पर्म क्या करता है, अपने सिर को
अंदर की ओर घुस आता है। ये चीजें मैं आपको फर्टिलाइजेशन के दौरान समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन यहां पर आप इस चीज को देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जोना पेलिसिटा के बाद देखेंगे तो यहां पर एक व्हाइट कलर की कैविटी दिख रही, व्हाइट कलर की लाइनिंग दिख रही है एकदम सफेद, उसको हम कहेंगे विटेलाइन स्पेस। अब विटेलाइन स्पेस क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड जोना पेलिसिटा कॉल्ड विटेलाइन स्पेस। अब विटेलाइन स्पेस में ही देखेंगे तो आपको एक पोलर बॉडी मिल जाएगी जो किसी काम की नहीं होती है। क्यों काम की नहीं होती है? जब आप ओजेनेसिस पढ़ रहे थे तो प्राइमरी साइड में जब डिवीजन हुआ था तो दो सेल बनी थी, एक सेकेंडरी साइड बना था और एक पोलर बॉडी बना था जो छोटा था और खराब हो गया था। उसके बाद सेकेंडरी साइड में फिर से डिवीजन हुआ तो सेकेंड पोलर बॉडी बना और ओवम बना। तो अभी क्या होगा, जब यहां पर डिवीजन होगा फर्टिलाइजेशन के बाद तो क्या होगा, यह पोलर बॉडी नष्ट हो जाएगा और इसमें क्या होगा, इस सेकेंडरी ओसाइड में क्या होगा भाई, डिवीजन होकर के ओवम बनेगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अंदर की ओर चलेंगे तो अंदर की ओर क्या है, न्यूक्लियस है। अंदर की ओर क्या है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस की बेटा बात करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हैप्लॉइड गैमेट होते हैं, सॉरी हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि केंद्र के अंदर हम बात करते हैं तो अगुणित गुणसूत्र होते हैं, यानी कि बात करते हैं आपके सामान्य जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सबके अंदर गुणसूत्र की संख्या 46 नंबर होती है, यानी कि 46 होती है। लेकिन जो आपके गैमेट होते हैं, चाहे वो स्पर्म हो, शुक्राणु जिसको कहते हैं, चाहे वो अंडाणु यानी कि ओवम हो, उनके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, गुणसूत्र की संख्या होती है वो 23 होती है, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं गैमेट सेल के अंदर। इतनी बातें समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे तो ढेर सारी आपकी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स पाई जा रही हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो आप कैसे एग्जाम में याद रखेंगे कि आपका कौन सा लेयर कहां पर रहेगा, तो उसके लिए मैं एक फ्लो चार्ट से माध्यम से आपको समझाता हूं, लेकिन पहले आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, बता क्या रहे हैं आपको, स्ट्रक्चर बता रहे हैं, संरचना बता रहे हैं, संरचना बता रहे हैं। देखो यहां पर क्या है, सबसे बाहर की ओर क्या है, कोरोना रेडिएटा, क्या है, कोरोना रेडिएटा। अब ये मत कहिएगा सर जी हिंदी का नाम इंग्लिश का नाम एक लिख रहे हैं, दोनों का नाम एक ही है, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा के जस्ट नीचे क्या है, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलुसिडा। देन उसके नीचे क्या है, तो उसके नीचे आप अगर जाएंगे तो पेरी विटेलाइन स्पेस है, पेरी विटेलाइन स्पेस। पेरिविटेलाइन स्पेस को हम पेरिविटेलाइन स्थल के नाम से जानते हैं या खाली स्थान कहते हैं। पेरिविटेलाइन रिक्त का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पेरिविटेलाइन में ही आप याद रखेंगे, पेरिविटेलाइन में क्या होता है, आपका पोलर बॉडी होता है, पोलर पोलर बॉडी होता है। पेरिविटेलाइन स्पेस के अंदर क्या होता है, पोलर बॉडी होता है। पेरिविटेलाइन स्पेस के जस्ट अंदर क्या होता है, आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि केंद्रक पाया जाता है। देखो पोलर बॉडी को हम ध्रुवीय काय कहते हैं, ध्रुवीय काय कहते हैं। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं बेटा, यहां पर ध्यान देंगे न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, सबसे अंदर की क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है यंग क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। यंग क्रोमोसोम का मतलब क्या हो जाएगा, अगुणित गुणसूत्र होता है जिसका नंबर क्या होता है, 23। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो यह आपके ओवम का स्ट्रक्चर, ओवम क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर, इन सभी को हमने आपको बता दिया। तो मैं आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने आज के इस क्लास में आपको समझाया है, बताया है, वो सभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत। बने रहिए हमारे साथ। अगर क्लास पसंद आया है तो लाइक कीजिए।